हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फहद मुश्ताक ऑफिशियल। तो यार आज जा रहे हैं हम आसिम के लिए जैकेट लेने, ठीक है, और छोटी हो भतीजी के लिए भी थोड़ा सा वो सामान लेना है, कपड़े शपड़े लेने हैं। एंड अभी उसकी तरफ चल रहे हैं। मैं वैसे ना एटीएम निकाल भूल गया हूँ उठाना, वो उठाने आया हूँ क्योंकि पैसे सारे बैंक से निकलवाने हैं। पहले मुझे याद नहीं था मैं गाड़ी में बैठ गया था, फिर मुझे याद आया व्लॉग भी तो बना लेना चाहिए। ये हुई ना बात। आई हैव अ कंटेंटेड टू गो आउट, व्लॉग इसी के लिए होता है ना, आउटिंग शॉटिंग और घूमना फिरना। सो चलो, ये हमने उठा दिया एटीएम कार्ड, लेट्स गो। और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाइक प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो चलते हैं। खड़ी है गाड़ी, चलो चले। A few moments later, चलो यार पैसे निकलवाने हैं एटीएम से। हाय 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 हाय, पहले गुरबा छाई हुई है, ऊपर से पैसे मांग देते हैं छोटे भाई, क्या करें। ऊपर से बाहर इतना रश है ना, बहुत कंफ्यूजन चल रही है, गाड़ी कैसे निकालेंगे क्योंकि बाइक की भी जगह नहीं है, बट वहाँ से बड़ी बड़ी गायें लेके उसे आते हैं लोग। मनी आ चुका है हमारा, माल पूरा है ना, तो मैं इस कंफ्यूजन में जीता हूँ कि इसमें पैसे कभी कम ना आ जाए। चलो चलो चले, लेट्स गो। अभी सामने न्यू लुक है, उधर से हमने जैकेट्स लेनी है। हेलो, ये है भाई न्यू लुक, इनके पास से हम ना 5 साल से आ रहे हैं, पक्के कस्टमर्स हैं, तो चलो इनसे लेते हैं। भाई ये जैकेट्स हैं, इन भाई से मैं 4 साल से आ रहा हूँ लेने के लिए, पक्का कस्टमर हूँ। मैं आता भी यहीं खानपुर में, कहीं और नहीं जाता, या लाहौर से लो शॉपिंग करो या खानपुर में अगर आना है तो न्यू लुक वालों के पास आओ। तो देखो भाई बहुत सारा स्टॉक है यहाँ पर, एंड ये जो दिखाई है इसको पहना, ये 2-in-1 है, ठीक है, ये अब अपर स्टाइल हो गया इसका। और ट्राई कर इसको, कैसे करूं इसको, जिप अंदर से नहीं, ये मेरा सारा कुछ उन्होंने ना सोच समझ के डाला है इसमें। 2-in-1 किसने दिया, देखो बैक प्रिंट भी है, ये देखो। और ये जो कैप होती है हुडी टाइप, ये हुडी बन गई तेरी। और कम मुझे तो यही पसंद है, ये पहनना तो मैं, ये ज़्यादा हैवी हो जाएगी, 2-in-1 मिल रही है तुझे, हाँ लाइट भी है, पता वो बड़ा हो जाएगा। मैं चेक कर ले बाकी सारे देख के ना, एक बार डिसीजन लेके फिर लास्ट सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। देख ले ये 2-in-1 है, अंदर से इवन हेडफोन्स भी इसमें इंक्लूड है। वाह, ट्रिप पे जा रहे हो तुम्हारे लिए तो फ़ायदा हुआ। ये देखो अंदर से ना ये पैराशूट है, बाहर से ये कपड़ा दे दिया इन्होंने, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है मेरे हिसाब से तो। चलो भाई शॉपिंग हो चुकी है कंप्लीट, और आप लोग भी इधर आइए, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। एंड चलो अभी चलते हैं, इसकी शॉपिंग हो चुकी है। खुश है अब, हाँ मुँह तो वही गंदा का गंदा बनाया हुआ जैसे तेरा नेचुरल ही है। लिंक रोड वाली साइड है, ठीक है, ये सारी बाजार है। ये देखो बाइक जैसे खड़ाई हुई ना, यहाँ पे अब गाड़ी नहीं गुजर सकती, ठीक है, अब मैं खड़ा हूँ ना, गाड़ी रुकी है, मैं खड़ा हूँ, ठीक है, आगे से रास्ता मिल जाता है, नहीं वो सामने करोला कार वाला वहाँ से निकल सकता है, बट वहाँ से नहीं निकल पा रहा, क्यों, क्योंकि ये बाइक्स खड़ी हैं। अगर ये बाइक्स ना होती तो शायद यहाँ से गाड़ी आसानी से निकल जाती और मतलब ये रश ना होता। अभी देखें रश फंस रहा है वहाँ पे, वो रेडी वाला पता नहीं क्या क्या निज़ाम है, पाकिस्तान में यही रूल्स नहीं है ना, अगर यहाँ पे कोई ट्रैफिक वाला होता तो ये सारी चीज़ें क्लियर होती एंड यहाँ पे रश भी ना होता, तो आसानी हो जाती बंदा सफ़र, मतलब ये आखिर बाज़ार है, बाज़ार में 100 फैमिली जाती हैं, वो रश में फंसी रहती हैं ज़्यादातर 90%, और यहाँ के रहने वाले भी हैं, ये देखिए सामने फ्लैट्स हैं, घर हैं, यहाँ पर फैमिलीज भी रहती हैं, उनके लिए भी बड़ी मुश्किल सी बात है ये। तो कोशिश क्या करें, इन चीज़ों से आप भी ख्याल रखा करें अपनी गाड़ी को, मतलब सही जगह बाहर क्या करें। अभी वो देखें, मैंने वो आल्टो देखी सामने, वो जो आल्टो खड़ी है ना, ये वाली, वो बहुत प्यारे तरीके से खड़ा गया, वहाँ से मतलब गाड़ियाँ भी आसानी से जा सकती, टेंशन भी नहीं है, मसला भी कोई नहीं है। 20 minutes later, तो फाइनली यार हम घर आ चुके हैं, इसको तो रंग बिरंगे को तो ख़त्म करूँ, ये हो गया। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करके जाना था कि मेरे आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।